पटना समेत पूरे बिहार में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन इस सर्दी के बीच जो युवा हैं वो लगातार एनटीपीसी, रेलवे और बैंकिंग बोर्ड की परीक्षाओं में देरी, धांधली के मुद्दे को लेकर के आंदोलनरत दिख रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको पटना के फतुहा स्टेशन की, जहां पर सुबह से ही छात्रों ने ट्रैक को जाम कर दिया है, कई गाड़ियां रुकी पड़ी हैं और आज लगातार दूसरे दिन बिहार में जो रेल सेवा है वो प्रभावित हुई है। कल यानी सोमवार को भी कई ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी थी, कई गाड़ियों के रूट में बदलाव करना पड़ा था रेलवे को, और आज भी ट्रैक जो है वो कहीं ना कहीं रण क्षेत्र में तब्दील है। और जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, रेलवे ट्रैक पर पुलिस भी मौजूद है, और दूसरी तरफ जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो एनटीपीसी और बाकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कल से जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी वो जमे हुए हैं ट्रैक पर, और जो रेल सेवा है वो प्रभावित हुई है। पटना और दिल्ली के बीच लगातार कई स्टेशनों से ऐसी खबर आ रही है जहां पर युवा जो हैं बड़ी तादाद में आंदोलन करते नज़र आ रहे हैं, और ट्रैक को उन्होंने एक तरह से अपना ठिकाना बना लिया है, और काफ़ी आक्रोश युवाओं के बीच है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के रिजल्ट में देरी हो रही है, उसमें गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। और इसको लेकर के सोमवार को भी हमने देखा था कि कई गाड़ियां जो हैं वो जगह जगह घंटों रुकी पड़ी थी, तकरीबन 6 घंटे से ज़्यादा तक गाड़ियों को खड़ा कर दिया गया था अलग अलग स्टेशन पर। देखिए एनटीपीसी में जो घोटाला हुआ है, आरआरबी बोर्ड जो है एनटीपीसी में घोटाला बहुत बड़ा हुआ है, इसमें रिजल्ट को वापस रिवाइज करने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट में है। वापस कल भी प्रोटेस्ट किए थे, प्रोटेस्ट के बाद हम लोगों पे लाठियां चली, आंसू गैस के गोले चले, रात 10 बजे हम लोगों ने रिलीज किया, 500 लोगों पे अभी भी केस है। हम लोग केस मुकदमा से डरने वाले नहीं है। सरकार लगातार स्टूडेंट्स पे, छात्रों पे इस तरीके का स्कैम कर करके और उनकी हत्या कर रही है। हत्या का मतलब समझ लीजिए, 4 साल पे आप एग्जाम लीजिएगा, फिर 2 साल के बाद स्कैम होगा, प्रदर्शन होगा, फिर आप रिजल्ट दीजिएगा। भर्ती ये सब जितना भी हो रहा है बिहार सरकार से लेकर के भारत सरकार, सबसे ज़्यादा रेलवे बोर्ड, कल क्या किया है, बीएड ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन में यह है कि 2 तरह से एग्जाम लेंगे, 2 चरण में। पहला चरण हो नहीं रहा है आपसे, दूसरा चरण के लिए आप निकाल दिए। पहले तो आप साफ सुथरा करिए, जितना भी रिजल्ट है सबको साफ सुथरा कीजिए। जो मिनिस्टर लोग हैं रेलवे वाले मिनिस्टर लोग अपने जानने वाले लोगों को पैसा लेकर के इसमें भर्ती के ले रहे हैं, और जो जेन्युइन स्टूडेंट है, मेधावी स्टूडेंट है, उसकी नौकरियां नहीं लग रही है। इसलिए हम लोग जो रेलवे बोर्ड है, रेलवे में हम लोग बंदी करने के लिए आए हैं। सारे स्टूडेंट लोग आए हुए हैं, और जिस तरीके से देखिए पूरे भारत में धांधलियाँ चल रही है, स्टूडेंट्स मर रहे हैं, सरकार से भी निवेदन है हाथ जोड़ करके कि हम लोगों के लिए कुछ करें। चलिए अपना नाम और निशांत यादव, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ उपाध्यक्ष। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। बट को चाहे जहाँ काम होगा सिर्फ यहाँ, ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।